मंत्री जी से को ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि दौसा संसदीय क्षेत्र जो मेरा अपना है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। संपूर्ण जिले में एक ही केंद्रीय विद्यालय है जो दौसा जिला मुख्यालय पर स्थापित है। 8 विधानसभाओं का क्षेत्र है माननीय, और माननीय अध्यक्ष जी केवल 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए ही हम लोगों को स्वीकृति दी है। 8 विधानसभाओं में केवल 10 विद्यार्थियों को यदि हम प्रवेश दिलाते हैं तो ये बहुत ही न्यून है, इसको कम से कम 25 का संख्या बनाई जाए, ये सारे सदन भी इसके लिए कहेगा। और माननीय मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत हुए 17-18 में एक विद्यालय स्वीकृत हुआ, केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई में, आज तक उसको प्रारंभ नहीं किया। मैं ये चाहूंगी आपके माध्यम से संरक्षण चाहूंगी माननीय कि लालसोट में भी एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए ताकि ये पिछड़े क्षेत्र में अधिक से अधिक बच्चे गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। श्री विनोद सोनकर जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी को बधाई दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह इस देश के सभी रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण और स्वच्छता का कार्यक्रम चलाए हैं वो आज देश में आदर्श बना हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बड़े बड़े स्टेशनों का तो सुंदरीकरण और स्वच्छता का काम हो रहा है, लेकिन बहुत से छोटे छोटे स्टेशन हैं, जैसे मेरी लोकसभा में जनपद प्रतापगढ़ में लाल गोपालगंज, भदरी, गढ़ी मानिकपुर, परियावा काला काकर रोड, जनपद कौशाम्बी में मनोरी, सैयद सरावा, बिदनपुर, सुजातपुर, अटसराय, कनवार, मनोहरगंज, ये ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर मूलभूत आवश्यकता की जरूरत है। वहाँ पे स्वच्छ पेयजल की जरूरत है, वहाँ पर टीन सेट की जरूरत है, वहाँ पे अतिरिक्त प्लेटफार्म की जरूरत है। इसके साथ ही पिछली सरकार ने मेरे 3 रेलवे स्टेशनों कुंडा हरनामगंज, भरवारी और सिराथू को आदर्श रेल स्टेशन घोषित किया गया था, लेकिन उनका काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको तत्काल पूरा किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इंटरसिटी ट्रेन कानपुर से, मतलब एक सेकंड, एक इंटरसिटी ट्रेन जो इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर तक चलती थी उसको हटा के एक मेमो ट्रेन चलाई गई जिसका नंबर था 64591 64592। वो इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रयाग से लेके कानपुर तक एक लाइफ लाइन थी, लेकिन मेमो ट्रेन जब से चलाई गई है वो लगभग 10 से 15 घंटा प्रतिदिन लेट रहती है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है इस ट्रेन को टाइम पे चलाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से लोग नौकरी करने नहीं जा पा रहे, लोगों को बड़ी दिक्कत है। धन्यवाद। पटेल जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में एशिया